हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पर ही डेरी जैसा दही जमाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 kg दूध ले लिया है। इस मिल्क को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये मिल्क अभी गर्म है। फ्रेंड्स, गर्म करते ही हम मिल्क को छलनी से छान लेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, पूरे दूध को मैंने छान लिया है। अब हम इसको मिल्क को ठंडा कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप जब गर्मियों में दही जमा रहे हो तो दूध को गुनगुना रखें, जिससे आप जिस दूध को आपकी उंगली, अगर आप दूध में उंगली डालते हो, वो सहन कर सके। इतना गर्म रखना है दूध को। और अगर आप ठंडों में दही जमा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा गर्म रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 tablespoon दही ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 tablespoon मिल्क ऐड करूंगी। 1, 2 और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको मिल्क के अंदर ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मिक्स हो चुका है। अब हम इसे जहाँ हम दही जमाने के लिए बर्तन को रखना है आपको, उसी जगह पे रख दीजिए। इसे हिलाना नहीं है। अगर गर्मी है तो ये 6 से 7 घंटों में जम जाएगा। अगर सर्दी है तो इसे 10 से 12 घंटे जमने में लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चक्का दही जम चुकी है, बिल्कुल डेरी जैसी। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम आइसक्रीम की तरह लग रही है। आप इसे किसी के साथ भी खाइए। ये देखिए, इस तरीके से कटेगी। आप इसे चीनी डाल के, कुछ भी मीठा डाल के किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप जमाइए इसको अपने घर पे। देखिए फ्रेंड, चक्का दही जम चुकी है। आप इसे बनाइए और खाइए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको चक्का दही कैसी लगी, बिल्कुल डेरी जैसी। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।